वृंदावन के परिक्रमा मार्ग स्थित नास्तिक अबालेंदु गोस्वामी के यहाँ आज से दो दिवसीय नास्तिक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से लगभग 1000 नास्तिक जुड़ रहे हैं। लेकिन इससे पहले नास्तिक सम्मेलन के आयोजन अबालेंदु गोस्वामी का बड़ा ही अजीब और अटपटा बयान सामने आया। उनका कहना है कि गीता, भागवत, बाइबल, कुरान महज मनोरंजन की चीजें हैं, ये सब काल्पनिक हैं। ईश्वर और पैगंबर कुछ भी नहीं होता है, ऐसा मेरा मानना है। मैं इनको नहीं मानता, जिसको मानना है वो मान सकता है, सभी स्वतंत्र हैं। साथ ही उनका कहना है कि कानून इस बात के लिए किसी को बाध्य नहीं करता। बुद्ध का दर्शन भी नास्तिक था। जब उनसे पूछा गया किसी ने के धर्म पर टिप्पणी करना कितना जायज है, तो उनका कहना था कि मैंने किसी को अपशब्द या बुरा नहीं कहा है। चौदह पंद्रह तारीख को पूरे भारत से यहाँ पर लोग इकट्ठे हो रहे हैं, जो अपने आप को नास्तिक कहते हैं, तर्कवादी कहते हैं, बुद्धिवादी कहते हैं, समान विचार वाले लोग इकट्ठे हो रहे हैं और आपस में डिस्कशन करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं। ये आपकी बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ है, क्योंकि मैं बचपन से ही कुरान, गीता, वेद और बाइबल पढ़ता चला आ रहा, और जो भी पुस्तक मैंने उठाई उसमें मुझे, और ऐसा कहूँ कि मेरी आत्मा को सुख और शांति का एहसास हुआ। ये तो मैं ये मानता हूँ कि ये तो आदमी की बहुत कम समझ, कम बुद्धि की बात है कि वो ये कहे कि बाइबल, गीता, जिसमें हमें कमाल के उपदेश मिलते हैं, जैसे गीता नैनम छिंदंती शास्त्राणी नैनम व्यक्ति पावके और कर्तव्य अधिकारस्ते, कुछ ऐसी बातें बता दी गई हैं मानवता के मार्गदर्शन के लिए, इंसान को सही रास्ते पे चलाने के लिए। ये तो कह ही नहीं सकते कि ये मनोरंजन है,